नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। यह आपका अपना शो है जिसमें आप अपने किसी भी मुद्दे को आईबीएन 7 के सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर खुद पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। सिटीजन जर्नलिस्ट के जरिए हमारी कोशिश रहती है व्यवस्था को बेहतर बनाने की और समाज को एक बेहतर दिशा देने की। सिटीजन जर्नलिस्ट में आज हम बात करेंगे कुछ बुनियादी सुविधाओं की जो सरकारी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। सिटीजन जर्नलिस्ट में आज देखिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता हूं और आज अपनी समस्या सुनाने के लिए आपके सामने आया हूं। हम सभी को विकलांग कल्याण विभाग की ओर से प्रतिमाह 300 रुपए की दर से पेंशन मिलती थी। आखिरी बार पेंशन साल 2009 में दिसंबर में मिली। बैंक में भी कई बार देखा हमने, वो बोलते हैं कि पेंशन आ ही नहीं रही है, लेकिन हमारे ही गांव के नहीं आ रही, लेकिन आसपास के जो गांव है उनकी सब किया। मैं ओंकार मालवी हूं, मैंने सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर छिंदवाड़ा से जिला चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन जागा है और उन्होंने ये यहाँ के कुछ सुधार प्रारंभ किए। उत्तर प्रदेश में सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं देने की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में फैली लापरवाही की वजह से अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र शोपीस बनकर रह गए हैं। गाजीपुर जिले के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह बता रहे हैं कि कैसे उनके इलाके में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद एक स्वास्थ्य केंद्र लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। गाजीपुर के जमानिया ब्लॉक के हजारों लोगों को इलाज के लिए कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाना होता है, जहां पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। मरीज की हालत गंभीर हो तो जमानिया में इलाज की व्यवस्था ही नहीं है, जबकि यहां एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। इस स्वास्थ्य केंद्र को बने 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ इलाज की सही व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट ओपी सिंह हूँ। मैं पिछले कई साल से बरुन गांव के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। आज सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर अपनी आवाज़ सरकार के आला अफसरों या मंत्रियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। जमानिया ब्लॉक का स्वास्थ्य केंद्र 2003 में इस उम्मीद पर खोला गया था कि इससे न केवल जमानिया ब्लॉक के लोगों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि पास के ही चंदौली जनपद के लोग भी यहाँ जरूरत के वक्त आ सकेंगे। स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तरों की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि मरीजों के देखने के लिए सही संख्या में डॉक्टर ही नहीं है। अब मेरी समस्या है कि थोड़ा स्टाफ के यहाँ पर कमी है, जैसे यहाँ पर एक ही वार्ड बॉय है, एक सिस्टर है, इसे इमरजेंसी चलाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर स्टाफ की काफ़ी कमी है, यहाँ पर कोई यहाँ पर लेडी डॉक्टर नहीं है। लेडी डॉक्टर नहीं होने से डिलीवरी में दिक्कत होती है, महिला मरीज को देखने में दिक्कत होती है। हम लोग जो पुरुष चिकित्सक हैं वही महिलाओं का इलाज करते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 8 डॉक्टर, 3 नर्स और 3 वार्ड बॉय की जरूरत है, जबकि 3 डॉक्टर उपलब्ध हैं, 1 स्टाफ नर्स है और 1 वार्ड बॉय है। दुख की बात है कि उनकी उपस्थिति भी नियमित नहीं है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। इस वक्त यहाँ कोई भी डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए मौजूद नहीं है। सारे मरीजों को देखने की जिम्मेदारी स्टाफ नर्स एवं वार्ड बॉय पर। जी नहीं आते हैं वो लोग, टाइम से नहीं आते हैं। ऐसे में लेकर मरीज के लिए कभी दिक्कत हुई है? दिक्कत होती है, हाँ हुई भी है। जब नहीं ये लोग इलाज करते हैं, नहीं देखते हैं, तो हम लोग बाहर ले जाते हैं अपने मरीज को दिखाने के लिए, दूसरे अस्पताल में या प्राइवेट में ले जाते हैं। जब स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं है तो भला इमरजेंसी सेवाओं की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इमरजेंसी में इलाके के लोगों को या तो झोला छाप डॉक्टरों के आश्रय रहना पड़ता है या 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सी व्यवस्थाएं सिर्फ नाम के लिए हैं। बेहतर इलाज की मांग करने पर यहां एक्सरे और पैथोलॉजी लैब शुरू किया गया था, लेकिन लाखों रुपए की मशीन यूं ही धूल खा रही है क्योंकि इसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। जब स्वास्थ्य केंद्र बना था तो यहां के लिए सांसद निधि से एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था, लेकिन अब एम्बुलेंस कहाँ है और इसका कौन इस्तेमाल कर रहा है ये कोई नहीं जानता। एम्बुलेंस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब वर्तमान समय में वो एम्बुलेंस आपको कभी, जब से आप पोस्टेड हैं, कहीं दिखाया नहीं आपको? नहीं, नहीं दिखा। स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने के लिए मैंने संघर्ष 2004 में तब शुरू किया था जब मैंने इलाज के न मिल पाने की वजह से एक बुजुर्ग महिला को तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा था। इसके बाद मैंने कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाई।
कई बार लोगों को एकजुट कर धरना प्रदर्शन भी किए। स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाने पर मुझे कई बार आश्वासन मिले और कई बार आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया। जिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने आकर यहाँ दौरा भी किया, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। हद तो तब हो गई जब 2007 में राष्ट्रपति भवन से स्वास्थ्य केंद्र को पूरी तरह विकसित करने का पत्र आने के बाद कोई खास काम नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि यहाँ दवा वितरण केंद्र शुरू कर दिया गया। हमारे स्वास्थ्य केंद्र के हालात कब सुधरेगा, इसको जानने के लिए आज मैं सीएमओ कार्यालय जा रहा हूँ ताकि पता चल सके कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की दशा कब सुधरेगी। जमानिया पे मैंने दौरा किया, वहाँ पे जो डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए उनका हमने एक्शन लिया और पब्लिक द्वारा अभी तक कोई भी आवेदन उनके खिलाफ नहीं प्राप्त होता है और मेरे मांगने के बाद भी पब्लिक जो है शिकायत पत्र नहीं देती है। सीएमओ ने हमारे स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन इनके आश्वासन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आईबीएन 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर। सिटीजन जर्नलिस्ट एक मुहिम है बदलाव की। इसमें आपके द्वारा दिखाई गई खबरों का असर होता है। हाल ही में हमने सिटीजन जर्नलिस्ट में एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसका असर हुआ है। छिंदवाड़ा के रहने वाले ओंकार मालवीय ने अपनी रिपोर्ट में अपने ही इलाके के एक अस्पताल की बदहाल तस्वीर दिखाई। सीजे रिपोर्ट बनने के बाद अब वहां सुधार हो रहा है। मैं ओंकार मालवी हूं। मैंने सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर छिंदवाड़ा से जिला चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन जागा है और उन्होंने यहाँ के कुछ सुधार प्रारंभ किए। हमने दिखाया था कि जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों को ही स्ट्रेचर पर मरीज को लाना ले जाना होता है और इलाज के बारे में जानकारी भी रिसेप्शन पर नहीं मिल पाती है। अब यहाँ स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाने और जानकारी देने के लिए कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। पहले अस्पताल में लगे वाटर कूलर काम नहीं कर रहे थे और लोगों को बाहर से पानी लाना होता था। अब अस्पताल के वाटर कूलर दुरुस्त कर दिए गए हैं। इलाज की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अब यहां तेजी से निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट बनाए जाने के बाद छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल की तस्वीर बदल रही है। सिटीजन जर्नलिस्ट ओमकार मालवीय, छिंदवाड़ा। हमारे देश में अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं है। शहर के पास के गांवों में तो स्थिति फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन दूर दराज के गांवों में अभी भी 24 घंटे बिजली नदारद रहती है। सरकार ने ऐसे गांवों को रोशन करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते इन योजनाओं की सूरत ही बदल जाती है। मेरा नाम सुधीर कुमार ओझा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पताही का रहने वाला हूं और आज मैं आईबीएन 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट बना ताकि मैं बता सकूं कि 480 पंचायत में किस तरह सोलर लाइट खरीद में सरकारी राशि का बारह न्यारा हेराफेरी किया गया है। साल 2006-07 में बिहार सरकार ने पंचायतों में सोलर लाइट लगाने का फैसला किया। मुजफ्फरपुर जिले की 493 पंचायतों में से 480 पंचायतों के लिए सोलर लाइट खरीदने के लिए 2006 से लेकर 2009-10 तक चार बार में 8 करोड़ रुपए जिला परिषद के पास आए। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये लाइट सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, चौराहों जैसी जगहों पर लगाई जानी थी, लेकिन लाइट खरीदने के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे जिसके अनुसार सोलर लाइट की खरीदारी 28,100 रुपए में केवल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोलकाता से किया जाना था। ये सारी लाइट 5 साल की गारंटी वाली लाइट थी। मेरा घर पताही पंचायत में आता है जहां कुछ सोलर लाइट लगाई गई। मुझे शक हुआ, तब मैं उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद 10 जनवरी 2009 को RTI के तहत मैंने सूचना मांगी जिससे एक बड़ा घोटाला सामने आया। आवेदन के 2 साल के बाद 2 फरवरी 2010 को जानकारी मिली।
जानकारी में ये बात सामने आई कि 480 पंचायतों में से 100 पंचायतों के लिए ही सोलर लाइट खरीदी गई। कागज पर लाइट की कीमत तय कीमत से ज्यादा बताई गई और ना ही खरीदारी कोलकाता के भारत इलेक्ट्रिकल से की गई। आइए अब आपको कुछ पंचायतों में ले चलता हूँ जहाँ पर सोलर लाइटें लगाई गई है। इस सोलर लाइट पर भारत इलेक्ट्रिक कंपनी के बजाय किसी और का कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस तरह की लाइट आम बाजार में 5,000 से 7,000 की कीमत पर आसानी से मिल जाती है। जिन पंचायतों में ये सोलर लाइट लगाई गई है वहाँ कहीं ये काम करती है और कहीं नहीं करती। जब से सोलर लाइट लगा है तब से लगने के बाद एक आध महीना जला, उसके बाद से पूर्ण रूप से बंद है। इससे ग्रामीण वासियों को कोई फायदा नहीं। मैंने 20 अप्रैल 2010 को मुजफ्फरपुर के माननीय भिजन जज साहब के यहाँ यह मामला दर्ज कराया था और माननीय भिजन जज साहब ने इस मामले को पटना एसपी विजिलेंस को जांच का जिम्मा सौंपा। इसमें मैंने सोलर लाइट के घोटाला का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। जून 2013 को डीएसपी स्पेशल विजिलेंस पटना ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में 200 पंचायतों के खिलाफ आरोप को सही माना गया। लेकिन इतने सालों के बाद अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है और सरकारी पैसे कहां गए किसी को पता नहीं। इस पूरे मामले पर जांच कहां तक पहुंची है और पूरे मामले की क्या स्थिति है जानने के लिए आज मैं विजिलेंस ऑफिस जा रहा हूं। रिकॉर्ड में पाया गया कि बहुत सारे वाउचर्स जो हैं फर्जी हैं। वाउचर्स हैं, रेट जो होनी चाहिए उस रेट से कई बहुत ज़्यादा रेट करके लगाया गया है, तो इसमें बहुत बड़ी घोटाला है। ये मामले सही पाए गए हैं, अन्य का रिकॉर्ड कुछ आए हैं, उसका पुनः जांच हो रहा है, समीक्षा हो रही है उसको, फिर उसका रिपोर्ट जाएगा। जब तक इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट सुधीर ओझा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। सरकार ने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं ताकि वो आम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। विकलांग कल्याण विभाग से मिलने वाला पेंशन इसकी एक मिसाल है। लेकिन हापुड़ जिले के एक गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या है उनकी कहानी और कैसे लड़ रहे हैं वो ये पेंशन पाने के लिए लड़ाई, आइए देखते हैं। चक्कर काटे, बहुत चक्कर काटे, पर क्या होता क्या कुछ नहीं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी दुकान चलाता हूं और आज अपनी समस्या सुनाने के लिए आपके सामने आया हूं। मेरे जैसे और शारीरिक रूप से 14 कमजोर लोग हापुड़ जिले के गांव सपनावत में रहते हैं। हम सभी को विकलांग कल्याण विभाग की ओर से प्रतिमाह 300 रुपए की दर से पेंशन मिलती थी। हमारे लिए पेंशन की शुरुआत गांव के मुखिया के प्रयासों से हुई थी। पेंशन की राशि पाने के लिए हमने अपने सिंडिकेट बैंक के खाते की जानकारी विकलांग कल्याण विभाग को दी थी। साल 2009 के जुलाई से हमें पेंशन मिलनी शुरू हुई। पहले एक साथ 6 महीने की पेंशन मिली, फिर उसके बाद 3 महीने की पेंशन 2 बार मिली, उसके बाद आखिरी बार पेंशन साल 2009 में दिसंबर में मिली। इसके बाद आज तक पेंशन की राशि दोबारा नहीं मिल पाई है। सिंडिकेट बैंक के हमारे ये खाते इस बात के गवाह हैं। मैं आप लोगों को जो मेरी तरह पेंशन रुकी हुई है उन लोगों से आपसे मिलाता हूं। हमने सेक्रेटरी से और ब्लॉक में और गाजियाबाद तुम्हारे बहुत एप्लीकेशन दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बैंक में भी कई बार देखा हमने, वो बोलते हैं कि पेंशन आ ही नहीं रही है,
लेकिन हमारे ही गांव के नहीं आ रहे, लेकिन आसपास के जो गांव हैं उनकी सबकी आ रही है। 19 फरवरी को हम वहाँ ब्लॉक में गए थे, वहाँ अपनी सारी पासबुक की डिटेल दे के आए थे चेक विड्रॉल की, लेकिन वहाँ वहीं रखे हैं, वे भी नहीं पहुँचे। 2012 के हमने अपनी शिकायत गाजियाबाद जाकर विकलांग पेंशन समाज कल्याण के अधिकारियों को दी थी। हमारी शिकायत पर अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर पेंशन की राशि सपनावत गांव के बैंक को भेज दी है, लेकिन बैंक से हमें कोई पेंशन नहीं मिली। हमने एक बार फिर विकलांग कल्याण विभाग को इसकी शिकायत की, लेकिन इस बात को 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक हमारे खातों में कोई पैसा नहीं आया है, जबकि खातों की जानकारी विकलांग विभाग के पास भी है। बार बार शिकायत करते करते हम परेशान हो गए हैं, कोई भी अधिकारी हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। साल 2013 के फरवरी में समाज कल्याण विभाग के मंगल दिवस में हमने एक बार फिर आवेदन किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मुकेश कुमार, धौराना ब्लॉक के लिए जो एप्लीकेशन हमने अधिकारियों को दी थी उसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके मालूम करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम ब्लॉक के लिए जा रहे हैं। कर्मचारी की उदासीनता थोड़ी बहुत रही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और भिजवा रहा हूं। जो ड्राफ्ट आया था, खंड विकास अधिकारी ने कहा है कि वो एक बार फिर सारे कागजात विकलांग कल्याण विभाग भेजेंगे और हमारे मामले पर नजर बनाए रखेंगे। जब तक हमें पेंशन मिलनी नहीं शुरू हो जाती, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट मुकेश कुमार। आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए IBNCJ.com पर। आप अपने फोटो और वीडियो भी हमें अपलोड करके भेज सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, facebook.com/IBNCJ।